दोस्तों नमस्कार, पांडे क्विज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज सीखेंगे परसेंटेज, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेलवे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम ऑलरेडी कुछ टॉपिक के जैसे नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एनएससीएम, रेशियो, प्रोपोर्शनल के वीडियो अपने चैनल पांडे गुरुजी पे प्लेलिस्ट में, जहाँ पे मैथमेटिक्स फॉर रेलवे एग्जामिनेशन, वहाँ पे मैं अपलोड कर दिया हूँ। आप इस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनेशन रिलेटेड फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है और डेली मैं यहाँ पे एग्जामिनेशन रिलेटेड न्यूज अपडेट और सारे टॉपिक के टॉपिक वाइज में वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं जीएस का और जीके का भी वीडियो प्रोवाइड किया हुआ हूँ और रीजनिंग का भी वीडियो प्रोवाइड किया हूँ। यहाँ पे आप जाके प्लेलिस्ट पे जाके सारे वीडियो को वन बाय वन देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रीजनिंग ऑफ रेलवे एग्जामिनेशन, जीएस एंड जीके फॉर रेलवे एग्जामिनेशन, यहाँ पे जाके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए तो आज स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे परसेंटेज का, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद आपको परसेंटेज का हर एक टॉपिक में आपको फ़ायदा होगा। तो परसेंटेज का जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तब तक आप मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परसेंटेज से आपको एवरेज, आप डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज मीन्स क्या होता है, पर हंड्रेड, पर हंड्रेड या एवरी हंड्रेड। तो आप वीडियो को देखें और जहाँ पे भी आपको कुछ समझ में ना आए हो तो वहाँ पे उसके थ्रू मैं कमेंट करके आप बताएं, मैं उसका रिजोल्यूशन आपको सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करता हूँ। तो परसेंटेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो होता है पर हंड्रेड या एवरी हंड्रेड, मीन्स एक्स परसेंटेज ऑफ वाई इक्वल टू एक्स बटा हंड्रेड इंटू वाई, और इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई बटा हंड्रेड, और एक्स परसेंटेज ऑफ वाई इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, एक्स परसेंटेज ऑफ वाई इक्वल टू एक्स बाय हंड्रेड इंटू वाई, तो वाई बाय हंड्रेड इंटू एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक्स परसेंटेज ऑफ वाई इजकल टू वाई परसेंटेज ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक फार्मूला बन के आया कि एक्स परसेंटेज ऑफ वाई इजकल टू वाई परसेंट ऑफ एक्स, मीन्स फोर परसेंट ऑफ एट इजकल टू एट परसेंट ऑफ फोर। तो इसे आप कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है कि पहला कॉन्सेप्ट में दिखाया था, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि सपोज मेरे पास एक ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू इजकल टू एक्स, सपोज कोई भी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज बाय पी परसेंटेज, देन न्यू वैल्यू विल बी, तो न्यू वैल्यू क्या होगा, हम मेरा ओरिजिनल वैल्यू क्या है, एक्स पर एक्स है और परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो पी परसेंट है, तो न्यू वैल्यू होगा एक्स, सो एक्स प्लस माइनस पी परसेंट ऑफ एक्स, मीन्स प्लस माइनस मीन्स वैल्यू जब इंक्रीज हो रहा है तो प्लस होगा, वैल्यू जब डिक्रीज हो रहा है तो माइनस होगा। तो सपोज ओरिजिनल वैल्यू क्या है 10, और क्या परसेंटेज सपोज 20% इसका इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 10 प्लस जितना भी परसेंटेज इंक्रीज हुआ 20% इंटू 10। तो इस तरह से आप इसको कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। T
तीसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो काफ़ी यूज होता है, तो जैसे कि कोई भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लिखा होता है एक्स इज वाट परसेंटेज ऑफ वाई, तो इसका होगा एक्स बटा वाई इंटू 100। तो जहाँ पे भी ऑफ आ रहा है उसको आप डोमिनेटर में रखें, नीचे रखें, और x इज वाट परसेंट ऑफ y इक्वल टू x बाय वाई होता है। इसको दूसरे तरह से भी इसको भी कैसे लिख सकते हैं, वाट परसेंट ऑफ y इज x, तो इसका भी होगा x बाय वाई इंटू 100। तीसरा एक और हो सकता है कि वाट इज वाट परसेंट इज एक्स ऑफ वाई, जहाँ पे ऑफ आया वहाँ पे आपको नीचे रखना है, तो इसका होगा एक्स बटा वाई इंटू 100। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है कि वाट परसेंट ऑफ 10 इज वाट परसेंट ऑफ 5, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो आप जब भी यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ पे भी ऑफ है उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं फोर्थ टाइप का मॉडल, फोर्थ टाइप का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे होता है कि एक्स इज वाट वाट परसेंट मोर या लेस देन वाई, तो यहाँ पे x इज वाट परसेंट मोर और लेस देन y में यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस y डिवाइडेड बाय y इंटू 100। तो दोस्तों इस टाइप का फॉर्मूला आप अपने नोटपैड में नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको इस टाइप के एग्जाम्पल के साथ आपको क्वेश्चन में बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बता रहे हैं सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट, आप बेसिक कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करें, ताकि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो। तो ये कॉन्सेप्ट को आप समझें, और जहाँ पे समझ में नहीं आता है वहाँ पे आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं, हम आपको ज़रूर रिजोल्यूशन देंगे। फिफ्थ है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज में जहाँ परसेंटेज चेंज होगा वहाँ पे क्या होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। उसके बाद जो सिक्स्थ कॉन्सेप्ट है वो है नेट परसेंटेज चेंज, नेट परसेंटेज चेंज या इफेक्टिव परसेंटेज नेक्स्ट परसेंटेज चेंज या इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको आता है तो कैसे करेंगे, तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। तो ये जो परसेंटेज आएगा वो वैल्यू होगा, माइनस में होगा तो नेगेटिव होगा, प्लस में होगा तो माइनस में होगा तो डिक्रीज करेगा, और प्लस में होगा तो वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ए एंड बी है वो जो परसेंटेज चेंज है, दो उसका टू वेरिएबल है, सपोज 10 और 20 है तो उसका 10 ए है 20 बी है। सातवां और लास्ट बेसिक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है, जैसे कि सपोज एक टाउन है जिसका अभी पॉपुलेशन क्या है, पी है, बट आफ्टर एन ईयर्स इसका पॉपुलेशन सपोज कुछ परसेंटेज आर परसेंटेज इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो आपको आफ्टर देन 10 साल, आफ्टर 10 साल में आपको कितना उसका पॉपुलेशन है तो फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला होता है। तो जब भी आपको आफ्टर में पूछा जाए, सपोज आफ्टर एन ईयर्स,
तो इसका फॉर्मूला है पी वन प्लस आर बाय हंड्रेड एन। अब जी पूछा जाए एन ईयर्स एगो, एगो में पीछे, पीछे का आपको पॉपुलेशन पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला है पी बटे वन प्लस आर बाय हंड्रेड एन। तो ये बेसिक दो फार्मूला को आप याद रखें ताकि आपको भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको एग्जामिनेशन में तो आप इसको इजीली से सॉल्व करें। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था परसेंटेज का। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जहाँ भी आपको दिक्कत है तो वहाँ पे हमें कमेंट के थ्रू क्वेश्चन पूछें और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे किस टाइप का क्वेश्चन रेलवे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन उनके पास भी पहुँचे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।